हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज का वीडियो मैं इस कोट के साथ शुरू करना चाहूंगा, सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट, कीप योर आई ऑन द प्राइस एंड डोंट लुक बैक, एरिन एंड्रयूज। ये एक ऐसा कोट है जिसको यदि आप अपने जहन में उतार लें तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे एक लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। यदि आप दिन रात 9 to 5 में ही उलझे रहेंगे या आप अपने बिजनेस में ही उलझे रहेंगे तो इस जीवन का असली उद्देश्य और इसका एंजॉय आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के डायरेक्शन में काम करना चाहिए। द मोमेंट ऐसा आपका क्षण आए लाइफ में कि जब आपको पैसे के लिए काम करना ना पड़े और आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, इन अनदर वर्ड्स, द मोमेंट मनी स्टार्ट वर्किंग फॉर यू रेदर देन यू आर वर्किंग फॉर मनी, दैट विल बी द फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर एनीवन। तो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर कड़ी में मैं आपके साथ 3 और स्टॉक्स साझा करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। बट उसके पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको इसका कंटेंट पसंद आता है, इसमें यदि 1% भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्योंकि यदि आप इसको शेयर करते हैं तो भी आप एक ब्लेसिंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू। इस कड़ी में पहला स्टॉक जो है उसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में यदि आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका अभी वर्तमान पीई अप्रोक्सीमेटली 43 के अराउंड चल रहा है। 43 के अराउंड इस स्टॉक का पीई है और यदि आप इसमें देखेंगे तो प्लेस्ड परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखे हैं, वो 0 है। डेट टू इक्विटी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि यदि आपका डेट टू इक्विटी लेस देन 0.75 है तो कंपनी की बैलेंस शीट को हेल्दी माना जा सकता है। पाइट्रॉस की स्कोर जितना भी 8 के नियरर हो, यदि वह 8 के नजदीक जाता है तो उसको बहुत हेल्दी साइन माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली ये 8 के नजदीक है तो इसको बेहतर कंसीडर किया जा सकता है। अब यहां पे यदि अपन इसके चार्ट में आते हैं, यदि आप इसके चार्ट में आते हैं और आप नोटिस करेंगे कि इसका मैक्सिमम चार्ट यदि आप ड्रॉ करते हैं तो इस स्टॉक ने आपको बहुत बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं लॉन्गर ड्यूरेशन में। देखिए, मार्च 2020 में इस स्टॉक की वैल्यू थी 192 रुपीज और ये जब बुल रन में आया, जब सब इकोनॉमी में फैक्टर बेहतर हुए और लोगों के पास पैसा आने लगा, मनी फ्लोज हुआ, FIIs का पैसा आया, इंटरेस्ट रेट डाउन थे, इकोनॉमी में पैसा को इनफ्लोज किया जा रहा था, तो ये 190 रुपीज का स्टॉक आपका 490 तक गया। ओके, एंड विद इन दी नो टाइम, आप यहां पे देखिए, ये मार्च 2020 से आपको जुलाई 2021, लेस देन 365 डेज और अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट ओनली। तो यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेहतर लेवल अभी बन रहे हैं। ये स्टॉक अभी अपने मैक्सिमम टॉप से यहां पे आपको कितने परसेंट करेक्शन पे अवेलेबल है, यदि आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स का चार्ट देखते हैं तो इस पर्टिकुलर पीक से यहां पे यदि आप इसका मैक्सिमम चार्ट ड्रॉ करते हैं तो इस पीक से जो आपका जुलाई 2021 में आया था, इस पीक से ये अप्रोक्सीमेटली आपको 35% के करेक्शन पे मिल रहा है। अब यदि यहां पे आप नोट करते हैं, इसको इस चार्ट को जूम कर लेते हैं, यदि अपन यहां पे इस चार्ट को जूम करने पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्योंकि इस चार्ट को स्टडी कर रहा था इसलिए काफी लाइंस यहां पे ड्रॉ हैं, यदि आप इस चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि एक कप बन रहा है बड़ा सा और ये उसका एक हैंडल है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, इसकी यदि आप यहां पे मैक्सिमम डेप्थ देखते हैं, आप यहां पे जाके मैक्सिमम डेप्थ देखते हैं तो ये जो डेप्थ है निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली यहां से, इस लेवल से इस पर्टिकुलर लेवल पे। यदि इसको आप मेजर करते हैं इस लेवल से, यहां तक कि आपकी डेप्थ निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 13%,
टॉप टू बॉटम ये डेप्थ जो है 13% है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ब्यूटीफुल बात यह है कि यदि इस लेवल पे आप इसको कैच करते और अगेन ये इसी लेवल पे जाता तो आपको यहां पे 15% का रिटर्न मिलता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टॉक को नीचे पकड़ना और इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में किस बेसिस पे बोल रहा हूं, यहां पे आप इन्वेस्टर्स में जाइए, इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है कितनी कर ली है, प्रमोटर की होल्डिंग यहां पे हो गई है 0, लेकिन ये जो पूरा माल है ये उठा के किसके पास गया है, आपका DIIs ने यहां पे एक्यूमुलेट कर लिया। DIIs की होल्डिंग 38% से बढ़ के 47% हो गई है। FIIs ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम की है, लेकिन वही सेम माल जो है यहाँ पे कुछ पब्लिक ने एक्यूमुलेट किया है। तो बेसिकली इसकी यदि आप बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का हाईएस्ट एवर सेल्स है ना, हाईएस्ट एवर सेल्स है, बट लेकिन इनका बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट एट द मोमेंट यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन इसलिए कम हुआ है क्योंकि मार्केट में इनके माल का उठाव कम है, लेकिन इनको अपनी इन्वेंटरी क्लियर करना है क्योंकि मनी का फ्लो एक प्रॉपर मेंटेन रखना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्दी रखना है, अपने एक प्रॉपर जो आवक जावक है उसको कंट्रोल रखना है, तो इसीलिए ये अपनी इन्वेंटरी को कम दामों पे क्लियर आउट कर दिए हैं। लेकिन आप यदि बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो एट द मोमेंट इन्होंने लास्ट थ्री क्वार्टर्स में 27.6 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आप देखेंगे तो ये जो माल जब एक्यूमुलेट होगा मार्केट में तो अगेन ये एक बहुत बहुत बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट करेगा और कंपनी फिर से जो है अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट मार्जिन और प्राइस की तरफ मूव करेगी। ओके, अपनी कड़ी में सेकेंड स्टॉक है, इसका नाम है सिम्फोनी। सिम्फोनी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सिमिलर कैडर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सेल करते हैं। 1988 में अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, मार्केट लीडर है एयर कूलर्स में। इनके कूलर बहुत ही ड्यूरेबल रहते हैं, यदि आपने पर्सनली यूज़ किया हो। मार्केट में इनका बहुत बढ़िया नाम है, बहुत सारे इनके 97 के प्लस के अप्रॉक्सीमेटली डिज़ाइन हैं, 20 प्लस कॉपीराइट्स हैं, 55 प्लस पेटेंट्स हैं। तो ये कंपनी R&D सेक्टर में बहुत बेहतर काम करती है, इनके जो भी कंपोनेंट रहते हैं बहुत इफिशियंट रहते हैं, लोग उस नाम को जानते हैं, इनकी क्वालिटी बरकरार है। इस प्रकार की कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेहतर परसेंट बना के दे सकती है, बहुत बेहतर रिटर्न बना के दे सकती है। अच्छा, अब यदि इसके चार्ट में आप जाके देखते हैं तो अभी ये स्टॉक जो है काफी लंबी अवधि से इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन का फायदा किस प्रकार से उठाया जाता है यही ब्यूटी है इस स्विंग ट्रेडिंग की। यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो आपने कितने परसेंट का गेन बनाया, यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेटली 8-9% का गेन बनाया विद इन हाउ मेनी डेज, 11 डेज। ओके, अगेन यू हैव एक्यूमुलेटेड दिस पर्टिकुलर शेयर। अब आपने इसको यहाँ पे मान लीजिए आपने 8-10% का टारगेट लेके आपने इसको निकल गए, फिर उसके बाद आपने फिर से इसी लेवल पे, आपको देखिए ये स्टॉक यहाँ पे नवंबर 2023 में अवेलेबल था, नवंबर 2023 में यदि आपने फिर इसी लेवल पे बाय किया होता तो विद इन अगेन 17-80 डेज आपको इसने जो है यहाँ पे 7-8% का रिटर्न फिर बना के दे दिया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी इस प्रकार के स्टॉक जो एक वेल रेपुटेड हैं, जिनका मार्केट में नाम है और जिसमें इन्वेस्टर्स, जिनको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बोला जाता है, FIIs और DIIs, यदि वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो हमेशा आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक बाय की अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। यदि आप बाय की अपॉर्चुनिटी खोजते हैं और ये 8-10% आप कंसिस्टेंटली साल में 3-4 बार भी यदि बना लेते हैं अपने ओवरऑल कैपिटल में, तो आप सोचिए आप सालाना 32% का रिटर्न बनाएंगे। 32% का रिटर्न यदि आपका बनता है तो हर 1.5 साल में, इन एवरी 1.5 ईयर, आपका पैसा जो है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड की ब्यूटी यही है जो मैं काफी समय से यूज करता आया हूं। अब अपनी कड़ी में तीसरा जो स्टॉक है इसका नाम है एस्ट्रॉल पॉली। PVC सेक्टर में पाइपलाइन और जितने भी प्रकार के आपकी फिटिंग्स आइटम बनाते हैं इसमें यह कंपनी नंबर 1 है, मार्केट लीडर है, लेकिन अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन, जिनमें पहला रीजन तो यह है कि एक
इनकम टैक्स की रेट पड़ी इस कंपनी पे जिस